आज मैं नए तरीके से चने की दाल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम ऑयल में दो लौंग, दो तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा जीरा और एक हरी इलायची डालेंगे। जब जीरा का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब इसमें हम एक प्याज स्लाइस किया हुआ डालें और थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च, और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें एक चॉप टमाटर डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे और मसालों को भून लेंगे थोड़ी देर। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम एक कटोरी चने के दाल डालेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया का पत्ती डालेंगे और कुकर बंद करके 15 मिनट तक दाल को गलने तक पका लेंगे। तो हमारी नए तरीके की चने की दाल मसाले वाली रेडी है। आप अलग से ऊपर से घी डाल के खा सकते हैं। ये रोटी, चपाती, नान या पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपीज कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।